मैंने आपको कितनी बार समझाया है, जब कहीं जाना हुआ करे ना तो गाड़ी सर्विसिंग में मत डलवा करो। पर मेरी तो कोई सुनता कहाँ है, खाओ अब धक्के ऑटो के। अरे मेरे को ऐसा थोड़ी ना मालूम था कि मैं आज कार सर्विसिंग पे डाल के आऊंगा और आज ही पार्टी का फोन आ जाएगा। हाँ, कि हाँ। आ जाओ शाम को बर्थडे पार्टी में। हाँ, हाँ। मुझे मालूम होता तो मैं डालता ही नहीं। अच्छा ठीक है वो देखो वो ऑटो आ रहा है। अरे अब ऑटो को देखते ही रहोगे कि बुलवाओगे भी? अरे बुलवा तो रहा हूँ भगवान, ऑटो वाले भाई। तो मैं तो हर जगह जल्दी रहती, पहले मुझे बैठने दो। चलिए बैठ जाइए। चलो भैया। जल्दी जल्दी तैयार करवा दिया, ऐसा पता होता तो मैं जाती ही नहीं। एक तो 3 बजे तो उनका फोन आया, अब अचानक जाना पड़ा, इसलिए तो मैं ऑफिस से भाग के आया। अच्छा है अरेंजमेंट ना, ढंग का खाना कुछ भी अच्छा नहीं था, ऊपर से 501 का व्यवहार मेरे से बिना पूछे कर दिया। अरे वो तो देना ही था, बुलाया था उनने अचानक जो। अरे इससे कम में तो किसी होटल में पेट भर के खाना खा लेते। वर्मा आंटी को देखो, ऐसे इतरा रही थी नेकलेस जैसे उसी के पास है, और किसी के पास तो है ही नहीं। वो तो उम्र का लिहाज भी नहीं करती है, 50 की हो गई है पूरी, पर देखो क्या मेकअप कर आई थी। अरे शांत हो जाओ भगवान, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। लो अब मेरा ही मुंह बंद करवाओगे, वैसे मैं कितना कम बोलती हूँ। हाँ हाँ तुम बहुत कम बोलती हो, सारा जमाना जानता है, अब शांत भी हो जाओ। अरे मुझे ही चुप कराओगे, और हम दोनों के अलावा यहाँ है ही कौन? कोई मैं चौराहे पे थोड़ा खड़े होके चिल्ला रही हूँ, यहीं तो बैठी हूँ। आ गया आपका स्टॉप। बड़ी जल्दी आ गया, पता ही नहीं चला। अब यही सब पता करती रहोगी कि घर भी चलोगी? चलो उतरो। चल रही हूँ। स्टेशन से बस स्टॉप आ गई हूँ, जल्दी घर पहुँच जाऊँगी। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। कहाँ चलना है मैडम? बेटा रात बहुत हो चुकी है, यहाँ किसी लड़की का अकेले खड़े रहना ठीक नहीं है बेटा। इक्का दुक्का ऑटो के सिवाय और कोई नहीं आएगा। आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। पता नहीं क्यों इसकी बातों में अपनापन सा लग रहा है, और देखने में भी काफी शरीफ है, फिर भी मन में आशंका है इस ऑटो में बैठूं या नहीं। रात भी बहुत हो रही है, ऑनलाइन राइड लेने के लिए मेरे मोबाइल में ऐप भी नहीं है, और इसके अलावा और दूसरा कोई साधन भी तो नहीं है। चलो इस बार रिस्क लेकर बैठ ही जाती हूँ, देखा जाएगा जो होगा। आप कुछ सोच रही थी क्या? अरे नहीं नहीं दादा, कुछ नहीं, आप तो मुझे मेरे घर साफ और छोड़ दीजिए।
दादा कितना किराया हुआ? जब मैं ऑटो में बैठी थी तब तो आपने बताया नहीं, अब आप मन चाहे किराया बताएंगे। नहीं बेटी, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले पैसे नहीं बताए थे। बेटा, जब से अपने देश में बहन बेटियों के प्रति रूह कपा देने वाली जो खबरें आ रही हैं, तब से मैंने निश्चय किया है कि मेरे पास जो भी बहन बेटी के रूप में आखिरी सवारी होगी, मैं उससे पैसे नहीं लूंगा और सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा। ऐसा करके मुझे बहुत अच्छी नींद आती है बेटा, और हाँ, मैं आज भी बहुत अच्छी नींद सोऊंगा। धन्यवाद दादा, आप वाकई में एक सच्चे समाज सेवी हो। पता है, आप ऐसा करके देश के प्रत्येक नागरिक को ये सोचने पर विवश कर रहे हैं कि देश की सेवा सिर्फ सीमा पर ही रहकर नहीं की जा सकती, बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक अपना कर्तव्य ईमानदारी और निष्ठा से पूर्ण करे तो उससे बड़ी देशभक्ति कोई हो ही नहीं सकती। आप एक सच्चे देशभक्त हो, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। जय हिंद। जय हिंद।